आज जिम जाने का टाइम है हमारा। अनुज नहीं आ रहा है जिम में, हिल्टन में होने वाला है। ये कॉर्पोरेट होटल है और व्हाट इज दिस, आई नीड दाल चावल ब्रो। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई यहाँ पे कि पैक करा सकते हैं, तो ये मेरे को चिल्ला रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज आदित्य गुप्ता ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। वेलकम टू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इज 21st of February, आज मंडे है और मंडे अभी सुबह के और बज रहे हैं 6:30। आज जिम जाने का टाइम है हमारा और इसीलिए सुबह उठ गए जल्दी जल्दी से और मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है जो कि रेडी हो चुकी है यहाँ पे। और जल्दी से अपनी ब्लैक कॉफ़ी फिनिश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और प्रस्थान करते हैं जिम की ओर। सुबह की काफ़ी अच्छी धूप जो मेरे चेहरे पर पड़ती है, फीलिंग सन केस, और मैं निकल चुका हूँ अपने जिम के लिए। और इट्स कम्प्लीटली क्लियरली विजिबल कि अनुज नहीं आ रहा है जिम में, क्योंकि उसको उसकी नहीं आई गेस नींद कम्प्लीट नहीं हुई है और उसको काम भी रहता है ऑफिस का। तो इट्स अ वैलिड फेयर पॉइंट कि वो शाम में जाएगा जिम, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप सुबह थक जाते हो और आपको काम करना है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हेडिंग टूवर्ड्स द जिम। ऑल्सो यहाँ से जिम 700 मीटर है, तो एक वार्म अप भी हो जाएगा वॉक करते करते जाएंगे। तो सी यू इन द जिम। द जिम इज़ प्रीटी अमेजिंग, और जिम बहुत ज़्यादा सही है और यहाँ पे ज़रूरत की सारी मशीन्स अवेलेबल है। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ पुशअप्स, और उसके बाद अपना जो स्केड्यूल रहता है फॉलो करेंगे। आज पुश वर्कआउट है मेनली चेस्ट फोकस। पूरी स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो चुकी है। 20 kg का डंबल चेस्ट प्रेस पे नहीं उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। तो बात नहीं, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी सांस फूल रही है अभी। 3 sets हुआ 20 kg के डंबल पे, और इंक्लाइन बेंच प्रेस मेरा पहला रहेगा। स्ट्रेचिंग वगैरह सब कर लिए, इसके बाद सीधा चलते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर का घर का वॉक है, उसमें कार्डियो कंप्लीट कर लेंगे और सी यू इन द होम। और गाइस, जिम से अब हम आ चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया था जिम में, क्योंकि मैं लास्ट नाइट अपने फ्रेंड के यहाँ रुका था और मैं यही पहन के गया था। और एक और चीज़, आज दीदी लोग का कॉल आया था, तो आई थिंक वी माइट बी गोइंग फॉर टू डू सम लंच एट हिल्टन मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग, कुछ नाम है उसका, पता नहीं। तो देखते हैं, ये ड्रेस पहन के वहाँ पे भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले घर जाके अपनी मील बनानी है। तो गाइज, हमारी मील जो है वो एकदम बन चुकी है और वो बन के कुछ दिखती है ऐसी। और अब मैं इसको खाऊंगा। मेरे को मील काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मेरे को। अभी आज का जो हमारा लंच रहने वाला है वो हिल्टन में होने वाला है। ये कॉर्पोरेट होटल है और स्टार्टर वगैरह हम सब खा चुके थे। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लंच, और लंच में मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या दिया हुआ है। अजीब अजीब नाम है, देखो तंदूरी सब्ज मसाला दिख रहे हैं क्या? तंदूरी सब्ज मसाला, व्हाट इज दिस, आई नीड दाल चावल ब्रो। लेकिन भाई तो भी बोलो, खाने के आइटम तो बहुत सारे हैं अभी, जैसे मटर नहीं मटर पनीर है,
और ये आलू धनिया कढ़ा मसाला, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, 5 डिश यहाँ पे, 4 डिश। हम लोग यहाँ पे भी आके बिरयानी खा रहे हैं और ये तो कढ़ी चावल खा रहा है। तुम कढ़ी चावल क्यों खा रहे हो? और ये इतना इतना शरीफ आदमी है, क्या बोल रहा था? कढ़ी चावल तो है, आलू की भुजिया नहीं दिख रही है बोलता है। और गाइस देखो, मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है, यहाँ पे बफे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि मैं आईटी वाले लोगों के साथ आया हूँ कॉर्पोरेट डिनर। ये आईटी में काम नहीं करता है, कंसल्टिंग है जो भी, ऑडिटिंग ऑडिटिंग करता है, ठीक है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई यहाँ पे कि पैक करा सकते हैं, तो ये मेरे को चिल्ला रही है क्यों नहीं करा सकते पैक। वो भैया आ गए, पूछो उनसे, बता। एप्पल वाले बिक चुके हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं कि बच्चे ग्रेन्स आ रहे हैं वीडियो में, वो नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आया है। तो जो भी आईफोन ले रहा है, अपडेट मत मारना, जूता मारना एप्पल को एक ट्विटर पे। लेकिन क्लियरली टेल कि सर्विसेज में एंड बाकी सारी चीज़ों में 10/10 है। एंड नाउ इट्स आवर टाइम टू गेट सम डेजर्ट, आई विल शो यू। Has an amazing pool area where you can come and chill out. और अभी मैंने मास्क लगा लिया है, just see the place. वहाँ पे बैठ के आप मस्त enjoy करो, chill करो। Depth है 4 feet, ज़्यादा depth नहीं है पर मज़ा आएगा। फूड वहाँ से आ चुके हैं और अभी अमन गुप्ता सर के तरफ से एक पार्सल आया है। शार्क टैंक देख रहा हूँ मैं आजकल, नॉलेज अच्छी हो रही है। वहाँ से हमने ऑर्डर किया है बोट का ये स्पीकर, 3,000 रुपये का पड़ा है हम लोगों को। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। वेंस देख रहे हो, वेंस ये देखो, साउंड एक्सपीरियंस का मजा लेते हैं। तो गाइज अभी हम होटल से लंच करके आ चुके हैं, आके मैंने गहरी सी नींद ले ली थी क्योंकि आज वर्कआउट बहुत दिन के बाद मारा था। और अभी मैं फिर से अपने फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है और ये वही फ्रेंड है मेरा जो साला आज जिम के लिए नहीं आया था। लाला होल यूट्यूब इज वॉचिंग यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वो तो ठीक है, तुम्हारे बेड के बगल में बोरो प्लस क्या कर रहा है मेरे को ये बताओ। सारा काम सब कुछ खत्म करके हम फाइनली घर आ चुके हैं और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं करूँगा इस ब्लॉग को एडिट। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप अप द गुड वर्क, कीप हसलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड नाइट।